अरिजीत फौजी। और दोस्तों कल होने वाला है जयपुर में बड़ा ही महाकुंभ, क्योंकि कल हनुमान जी बेनीवाल यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं जयपुर में, और साथ में ही आजाद कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर यानी चंद्र सिंह उर्फ रावण भी वहां पधार रहे हैं। तो दोनों का एक गठबंधन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है राजस्थान के राजनीतिक हलचल में, क्योंकि ये गठबंधन आपको पता है कि पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल के उपलक्ष्य में ये लड़ा गया चुनाव, जिसमें 80 लाख वोट उन्होंने अर्जित किए थे। तो इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में आपको कन्फर्म मैं बता दूं कि ये वोट 1.5 करोड़ से क्रॉस जाने वाले हैं। और कल जो बड़ा धमाका होने वाला है जयपुर में 29 अक्टूबर को इनके रैली है, इसमें विशाल भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा का कल समापन है। और ये सत्ता संकल्प यात्रा पूरे राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में इन्होंने यात्रा की है, वोटों के लिए इन्होंने अपील की है, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान है लोग। इस बार हनुमान जी को काफ़ी वोट मिल सकते हैं, काफ़ी सीटें मिलने की उम्मीद है। और जब ये इन दोनों का एक गठबंधन हो गया, आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार और ज़्यादा वोट इनको मिलेंगे। तो काफ़ी लड़कों के कमेंट आए थे कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, तो मेरी ये राय है दोस्तों, अपने पर्सनल राय है। जय हिंद, जय भारत।